फिलहाल मैं इस वक्त की बात करूं समालखा विधानसभा के करंस गांव में मौजूद हूं। ये करंस गांव वही है, कहा जाता है कि ये गांव जिस तरफ हो जाए उनकी जीत पक्की है। आ जाइए जो है गांव के लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि इस बार ये गांव किसकी तरफ जो है झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार जी। कांग्रेस पार्टी की तरफ जी। अच्छा हाँ। क्या नाम हो गया जी? मैं धर्म सिंह छोकर। मेरा नाम यशवीर सर। यशवीर जी, धर्म सिंह छोकर जी का नाम लिया, कांग्रेस का नाम लिया। कांग्रेस पार्टी, क्या कारण है ऐसा? बढ़िया आदमी है, काम करने का आदमी है। कहीं डाले दू रात ना बुला ले फोन करके, यही आओगा किसी बुला ले मर गए तो मैं ब्याह में शादी में प्यार में प्रेम में रोड़े में रब कभी भी बुला ले हाजिर है। धर्म सिंह जी मतलब जी मतलब रात को भी बुलाए तो आ जाए, बुला ले जब भी आ जाएगा। अच्छा हाँ, घर का आदमी हो। अच्छा नेता तो देखिएगा और भी हैं क्या? और भी ऐसे ही आ जाते हैं जैसे आप बताते हैं? और तो यहाँ पर टूरिस्ट हैं तो भाग जाएंगे। अच्छा हाँ, भाग जाएंगे। हाँ ये कुछ नहीं है, मतलब नहीं काम आएंगे। और ये नहीं काम आने के नहीं है तो पहले बना के देख लिया, हमने भूख ने बता दिया था तो हमारे को। अच्छा अच्छा हाँ। ये बात मैं काफी जगह सुन चुका हूँ, भूख ने बता दिया था हमारे को ये फिर आ रहा हो। अच्छा ये बात मैं काफी जगह सुन चुका हूँ कि भूखन भूखन की काफी बात चल रही है, ये बात है कब की? कब बोला गया था ऐसी चीज? ये बना था चौटाला सरकार में, मंत्री बना था जब जब बोला था इसको, तो मतलब गांव के लोगों को ही बोल दिया था या फिर संभाल के हल्के को, पूरे संभाल के हल्के को बोला था। अच्छा हाँ, तो फिर वोट नहीं करेंगे? वोट नहीं करेंगे इसको कभी भी। अच्छा हाँ, तो वोट देंगे हम, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जी जी जी, नमस्ते ताऊ जी। ठीक है बाबा, मैं नहीं बोल रहा। अरे नमस्ते कर रहा हूँ ताऊ, मैं नमस्ते भी नहीं ले रहे, मैं तो नमस्ते ही कर रहा हूँ ताऊ जी। राम राम जी, राम राम। अच्छा इसने बताया कि इस बार धर्म सिंह जी को जिताना चाहते हैं, आपको क्या लगता है किसको जिताना चाहते हैं? धर्म सिंह है। धर्म सिंह है? हाँ धर्म सिंह। क्यों है धर्म सिंह जी, कारण है कुछ? काम का आदमी है, काम कर रहा है, पहले बरस रखे बरस लेंगे काम बर्त रखे हैं। हाँ पहले बर्त रखे हैं और इस बार फिर बरतना चाहते हैं। बरतेंगे, बना के ले आऊंगे, बना के लेके आएंगे। अच्छा ताऊ जी एक बात बताइएगा, परिवार में कितने वोट हैं आपके, घर के कितने वोट? घर के हैं 10 वोट हैं मेरी। 10 हैं? 10 में से कितने धर्म सिंह जी के पास हैं? सारी हैं। सॉरी है, देख लीजिएगा सारी धर्म सिंह की। कभी फिर वोटों के बाद पता चले गांव से वहां पर वोट नहीं आए? नहीं नहीं, जमा सारी वोट हैं। 37 बरादरी साथ में है। अच्छा 10 वोट हैं मेरी। मेरे बड़का के बहू के सारे के बदलाव का रुझान है ना। हाँ तो मतलब पक्का बना दिया फिर ताऊ जी आपने तो। बना के ले आऊंगे भाई, बना के लेके आऊंगे जी। क्या नाम है भाई साहब? रविंदर। रविंदर जी क्या है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल तो कांग्रेस का ही माहौल बहुत बढ़िया है पूरे हरियाणा में, और बाकी अपना दबंग नेता है धर्म सिंह छोकर बढ़िया बहुमत से बनका होगा। अच्छे बहुमत से? अच्छे बहुमत से। अच्छा परिवार की मैं बात करूँ कितने वोट होंगे घर के अंदर? हमारी 50-60 है भाई। 60 है? चल 60 में से कितने मान के चलेगी धर्म सिंह जी? सारे परिवार थोड़ा कौन बस सारा ही घेरेगा, पूरा गांव घेरेगा, बल्कि गांव तो घेरेगा, परिवार की बात करें 60 में से कितनी आएंगी? सारी ये घेरेंगे यार, अंगला करवाऊंगे, देख लीजिएगा, देखना के था कभी फिर बाद में ढूंढते फिर भाई साहब वोट नहीं आई। सारी आऊंगी, सारी आऊंगी, सारी आएंगी। ऐसा तो नहीं है कि घर वाली कहीं और फिर बटन दाब दे और आपका कहीं और बटन हो? वैसे भी कांग्रेस की लहर है, बहुत मजबूती जीत का होगा। अच्छा अच्छा, कैंडिडेट और भी बहुत सारे खड़े हैं जो अपने आप को जीता हुआ मान रहे हैं? सभी मान्यारा जीता हो अपने आप ना, लेकिन उस दिन रिजल्ट आओ उस दिन पता लगेगा। धर्म सिंह छोकर 20,000 प्लस वोटों से जीत का होगा। आप 20,000 बता रहे हैं जी? जीत जाएंगे इतने? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा आंकड़ा बना लिया? बिल्कुल। तो दूसरों पर कितने वोट जाएंगे, उनके क्या अंदाजा लगा रहे हैं? धर्म सिंह छोकर आओगे 1,00,000 के लगभग वोट है। 1,00,000 के आसपास? 60,000 में 70,000 में दोनों और सारे हैं, बाकी सारे 60 के बीच में ही रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बट जाएंगे उनके तो वोट जी। पूरे अकेले की 1,00,000 के आसपास? कांग्रेस की लहर इतनी बढ़िया है और आदमी भी ठीक है, जो दबंग नेता है। अच्छा गांव की मैं बात करूं, इसने धर्म सिंह छोकर जी ने अपने कार्यकाल में गांव में कुछ विकास या कुछ ऐसा किया है जो आप लोग इस बार भी देखना चाहते? कांग्रेस सरकार थी पहली बार जी धर्म सिंह छोकर बने, तो सबसे ज्यादा काम अपने हमारे गाँव में करवाए थे इसने। सबसे ज्यादा गाँव में हुए जी? बिल्कुल। क्या क्या हुआ था थोड़ा सा? सारे गांव की नई फिरनी बनाई गई थी, जो भी काम रुक रहे थे नाले फिरनी पानी की निकासी सारी चीजों प्रबंध ठीक कराया था इन्होंने। मतलब गांव की निकासी की बात कर लीजिए, फिरने की बात कर लीजिए, गली जी जी जी, सब काम जो सार्वजनिक काम थे वो बहुत करवाए, बहुत करवाए। हाँ जी। अच्छा इस बार क्या उम्मीदें हैं विधायक बनने के बाद, क्या कुछ विकास करवाना चाहते हैं गांव? विधायक बनने के बाद हुड्डा साहब बुल गए हैं, बढ़िया मंत्रालय देंगे, मंत्रालय मिल गया तो और अच्छे काम करेगा,
डिप्टी सीएम की भी आवाज उठ रही है जैसे ये बता रहे हैं, बहुत ज्यादा आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मंत्रालय तो मिलेगा, मतलब मंत्रालय तो पक्का ही है, बिल्कुल पक्का है। तो फिर और ज्यादा उम्मीदें हैं कि और ज्यादा काम, बिल्कुल सार्वजनिक काम ज्यादा होंगे। अच्छा, गांव की मैं बात करूँ, खेल स्टेडियम वगैरह कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के लिए भी सुविधाएं हो जाएगी? हाँ, स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है गांव। स्टेडियम है, हाँ जी। तो सुविधाएं कैसी है स्टेडियम की? स्टेडियम में सुविधाएं ठीक है, बाकी धर्म सिंह छोकर ने पीछे आया था वहाँ बच्चों को वाली और वो भी देखा गया था, और एक वो भूल गया था समरसिबल लगवा लग रहा है धर्म सिंह छोकर। मतलब अपडेट और भी हो जाएगा यदि विधायक बनते हैं तो, और अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा होगा जी। जी 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 जी, आप क्या नाम है भाई साहब, खड़े रहिएगा कोई बात नहीं। अपना नाम बिट्टू है जी। बिट्टू जी गांव के ही रहने वाले हैं? जी गांव के हैं जी। क्या है माहौल ये तो भाई साहब जी, एक तरफा ही बता दिए, 1,00,000 के आसपास वोट बता रहे हैं धर्म सिंह जी। यहाँ एक तरफा नहीं जी, पूरे 84 गांव में एक तरफा है धर्म सिंह। एक तरफा है? हाँ जी। क्या कारण मानते हैं जो एक तरफा बता रहे हैं? एक तरफा जी, सबसे बड़ा इंसान को काम नहीं चाहता, किसी के सुख दुख में खड़ा होना उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, और ये आधी रात को उनके लिए खड़ी रहते हैं, अपनी जनता के लिए आधी रात भी खड़े रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल खड़े रहते हैं। नेता देखिएगा और भी बहुत सारे हैं, क्या कभी वो भी गांव के अंदर दुख में सुख में कुछ ऐसी परिस्थिति में गाँव में पहुंचे? ना जी, रविंद्र मछरोली बना था, 5 साल गाँव में आया भी नहीं, किसी धन्यवाद दौरा भी नहीं करा, नहीं किया। और जो धर्म सिंह जी ने सड़कें बनाई थी उनका टुकड़े भी नहीं लगे जो। हाँ जी, मतलब जो काम उस समय हुआ था उसी समय हुआ था, इस समय और कुछ काम नहीं हुआ जी। तो अब क्या उम्मीदें हैं विधायक बनने के बाद धर्म सिंह जी से, क्या कुछ नई जो है गांव के अंदर करवाना चाहते हैं? देखो जी, गांव में तो बहुत पहले तो हरियाणा में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, 55 से 60 सीटों का आंकड़ा सर्वे दिखा रहे हैं, हुड्डा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी लहर है, तो काम तो अच्छे होंगे, मंत्री पद आएगा तो मतलब मंत्री बनेंगे तो और भी काम अच्छे हो जाएंगे। गांव में कुछ अपडेट नई चीज़ें करवाना चाहते हो, कुछ ऐसा लगता है गांव के अंदर? जैसे धर्म सिंह के कार्यकाल में जब ये सरकार थी, हुड्डा साहब की स्टेडियम बना था, तो उसके बाद बनने के बाद उस स्टेडियम की ब्लॉक लेवल का स्टेडियम था हमारा, तो उसकी मरम्मत भी नहीं हुई किसी से, उससे बनने के बाद अपडेट नहीं हो पाया, साल से बीजेपी सरकार है, अपडेट भी नहीं हो पाया वहाँ पे। वो भी अभी धर्म सिंह छोकर जी ने, वहाँ पानी या ट्यूबवेल भी नहीं था, वो भी अभी धर्म सिंह जी ने लगवाया है। धर्म सिंह जी ने करवाया, जो भी करवाया, बाकी का कुछ और का नहीं, और नहीं है जी किसी का कुछ। तो आगे उम्मीदें हैं कि अब फिर बनता है तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा जी। और ऐसे नेता जी आधी रात को भी जाके खड़े हो, ये काम करना तो करते हैं, जनता के लिए खड़े होते हैं, खड़े रहते हैं। जी 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 जी। हाँ। बाकी नेता नहीं है जी। ये भाई साहब ये बता रहे हैं कि दिन हो रात हो, दुख में सुख में धर्म सिंह जी सबसे पहले रहते हैं। फिलहाल यही नेता जो पब्लिक में रहा है, नहीं तो ये जो बडाना साहब हैं ये तो आए और गए, इनका तो अपना पता ही है, कभी बंगलो यूपी से, कभी कहीं से, तो मैदान एक खेल सा खेल लड़ना आगरा है, और अब उसके बाद फिर दिखना नहीं ना, पीछे जो विधायक थे वो नहीं दिखे। तो फिर नहीं चाहते किसी और को धर्म सिंह जी के अलावा कि कोई बने? धर्म सिंह छोकर ऊपर हुड्डा साहब भाई यही चाह रहे हैं। बिल्कुल जी। क्या नाम है भाई का? आप भी आ गया जाओ, मंजीत खड़े रहिएगा। मंजीत जी गांव के रहने वाले हैं? हाँ सर। आप किसको बनाना चाहते हैं विधायक, किसे देखना चाहते हैं? धर्म सिंह छोकर को। की बात है। हाँ। कारण क्या है, क्यों बनाना चाहते हैं? बढ़िया काम करवा रहे हैं। बढ़िया काम करवा रहा है। हाँ। और अब फिर आगे भी बढ़िया काम करवाएगा। हाँ। कितने वोट हैं घर की बात करें तो? 20 में से कितने धर्म सिंह जी गए? सारे धर्म सिंह के। देख लीजिएगा पक्का, कभी बाद में फिर वोटों की गिनती के बाद पता चले वोट ही नहीं आए। नहीं नहीं, जोर से तो ले आएंगे, जोर से बना के ले आएंगे, जोर से बना के लेके आएंगे। हाँ। ऐसे ही है जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिएगा, फिलहाल मैं बात करूँ तो गांव के लोग थे, इनसे जो है बातचीत की, चुनाव के बारे में डिस्कस की कि इस बार विधायक के रूप में किसे देखना चाहते हैं। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जो है जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं अश्विनी कुमार, जय हिंद।